हम पे असर कोई नहीं हो रहा है क्योंकि हम घर सामने मेरे पास इधर तो नहीं है लेकिन उधर तो है तौसा शरीफ में। इधर से डलवाते हो वहाँ बाइक में डाल जाता है पेट्रोल। अच्छा सा खच्चर ढूंढता हूँ लेके खड़ा कर देता हूँ घर के बाहर। हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द व्लॉग। क्या हाल है, कैसे गुजर रहे हैं? आपसे नहीं बहुत अच्छी गुजरी, मज़ेदार गुजरी, फिट गुजरी। सीन ये है कि कल रात हम वापस आए, फिर थोड़ी देर में रिलैक्स हुआ, उसके बाद मैंने स्टूडियो की वीडियो सारी एडिट की और अब जो है ना सुबह हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस क्योंकि मुझे ये वीडियो सारी अपलोड करनी है। वहाँ पर इंटरनेट बड़ा फास्ट होता है, इस वजह से मैं वहाँ का इंटरनेट यूज़ करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। बीच में इसके माइक की जो है ना बैटरी हो गई लो, वो भी मुझे खरीदनी है। बैटरी भी खरीदेंगे, ऑफिस जाएंगे, भाई को छोड़ना है कज़न के घर और वहाँ भी जाएंगे। फरहान मेरे साथ चल रहा है, लेट्स गो। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया और ये सिर्फ अभी तक माइनक्राफ्ट। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन इनका माइनक्राफ्ट खत्म होगा ही नहीं। सब कुछ निकाल लिया, लो बस मुझे शांति दो, शांति दो बस। सब कुछ निकाल लिया भाई, देख लो, जला दो। ओके जोक भाई दिखा दो, गेम भी दिखा दो, डीसी भी देख लो, इससे बात करते हैं हम, डिस्कॉर्ड भी देख लो, सब कुछ देख लो। व्लॉग बना रहे हो आके, देख रहे हैं कितना तेज है, इसको पता है कंटेंट कैसे देना होता है। इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर तो आपको ये वाली जो किताब है माइकल फ्रीमैन द फोटोग्राफर्स हैंडबुक, ये आपको पढ़नी चाहिए। इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर यू। रेहान साहब 2 मिनट चुप करेंगे आप। इसमें लाइटिंग, कैमराज, तकरीबन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक फॉर फोटोग्राफर्स। बेसिक भी है, एडवांस भी है, सब इसी में है। तो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और बैग पैक करते और निकलते हैं। मैं सारा लेट्स गो। मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह से यही दुआ है जितना हो सके अल्लाह हम सबको हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, महंगाई से पाक रखे, महंगाई से दूर रखे और हम काम काज के लिए प्रोडक्टिव रहें और इस मुल्क के लिए हम फ़ायदेमंद पैदा हों। ऑफिस में गए हैं पहुंच और यहाँ पे करेंगे वीडियो अपलोड और अनफॉर्चुनेटली मुझे याद ही नहीं आया, मैंने कैमरा की बैटरी नहीं ली। भाई ऑफिस पहुंच गए हैं। तो मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उन पे उनका क्या असर हो रहा है? पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी उस पर आप पे क्या असर हो रहा है? हम पे असर कोई नहीं हो रहा है क्योंकि हम घर सामने जब आते हैं घर जाते हैं, असर तो कोई नहीं हो रहा है। बट ये है कि नहीं बढ़ना चाहिए था क्योंकि और मैंने कल वीडियो भी देखी थी जिस पे बंदों ने बाइकें वाइकें तोड़ दी और ये मतलब बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। जाहिद भाई आपका क्या ख्याल है? हम पे तो कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि हम तो ऐसे ही पैदल चलते हैं, कुछ खास असर नहीं हो रहा हम पे। इन पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। अच्छा ये पैदल चलने वाले, हम गाड़ियों वाले, हमारी तो फट गई है। यहाँ पे बैठा है मोइन जो पर्च में होता है, उससे मालूम कर यार। दानियाल लास्ट ब्लॉग में भी मैंने उल्टा नाम ले लिया था। दानियाल तुम पे असर हुआ है? बहुत, हमारी बस समझ लें बहुत हालत खराब हुई पड़ी है। ये बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं, गरीब बंदा कहाँ जाए साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहली कमाई है नहीं फिर और बढ़ती है। गरीब फ्रीलांसर पहले कहते थे कि फ्रीलांसर सुकून में है लेकिन अब फ्रीलांसर भी सुकून में नहीं है। इतनी कीमतें बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, मैं क्या बात। वीडियो अपलोड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे क्योंकि काम पहले। अदिल भाई इधर 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 जल्दी इधर आए, गरम पट्टी का बंदा आ गया, इससे पूछ इधर इधर हटा हट 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 इधर अंदर घुसेगा। अदिल भाई आपके शौक भी वो क्या समझ रहे हो? इधर आओ इधर। जी भाई मुझे ये बताओ पेट्रोल महंगा हुआ है, हाँ क्या असर हुआ है आप पे? यार पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, खराब सिस्टम चल रहा है। हम तो हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमारे साथ भी इश्यू बढ़ रहा है। कह रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना, क्या मसला हुआ है? पेट्रोल महंगा हो लेकिन इसके पास तो बाइक भी नहीं है। मेरे पास इधर तो नहीं है लेकिन उधर तो है तौसा शरीफ में। इधर से डलवाते हो वहाँ बाइक में डाल जाता है पेट्रोल। इनकी बात हमें समझ नहीं आई है। ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, ना इनके पास गाड़ी है ना बाइक है, घर इनका बराबर में, तो इन्हें किस चीज़ की टेंशन है पहले इनसे ये पूछ ले। ये वो बंदे हैं जिनको कोई टेंशन नहीं होती लेकिन टेंशन देने की इनको टेंशन ज़रूर होती है कि हम दूसरों को टेंशन कैसे दें, खुद इनकी कोई टेंशन नहीं होती। ठीक भाई आप सुनाओ, पेट्रोल महंगा हुआ है, बाइक पे आते हो गाड़ी पे? बस यार अभी तो पैदल आना पड़ेगा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है क्या करें। बस सही गंजों ने बजा दी, अब क्या करें। गाड़ी लेने का सोच रहे थे, अब लगता है कि साइकिल लेनी पड़ेगी। पेट्रोल बढ़ गया, इस पे क्या तासर आते हैं आपके? तुम रिकॉर्ड कर रहे हो पहले मुझे ये? हाँ बिल्कुल, आपको इस चैप्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर देने के मूड। सीन कुछ ऐसा है कि पेट्रोल के बारे में जो आप मामला सुनना चाह रहे हैं, ये एक अपनी राय है। बीइंग अ पाकिस्तान पेट्रोल को हमारी गवर्नमेंट को ना एक ही मरतबा बढ़ा देना था। अब वो उसको 1000 रुपये लीटर कर दें और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये रोड उसके बावजूद इस रोड के ऊपर आपको अभी जो गाड़ियां नज़र आ रही हैं इससे ज़्यादा ही चलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये एक ट्रैक है कि जो चीज़ महंगी हो जाती है वो चीज़ ज़्यादा बिकती है। तो पेट्रोल मेरे ख्याल से 1000 रुपये लीटर कर देना चाहिए इनको। बाकी ये है कि गरीबों के लिए भी कोई इशू नहीं है, जिसने 50 का डलवाना है वो 50 का डलवाएगा भाई, बात सीधी। ये हार्ट अटैक जो देते ना, कभी 20 रुपये पड़ा है, कभी 30 रुपये पड़ा है, ये थोड़ा अच्छी नहीं लगती। एक ही दफ़ा करें, बाउंस लगाएं, सीधा 1000 रुपये। डन हो गया भाई, काम शाम निकल रहे हैं घर। सिर्फ एक बात बताओ आप। जी सर। जी जी। ये जो पेट्रोल बढ़ गया इसमें आपकी क्या? यार अब क्या बताएं, बांस करते हैं ऑफिस आते हैं, ऑफिस से वापस घर जाते हैं, 5000 का पेट्रोल गया। सीधी बात है संगत में। आपके पास मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा खच्चर ढूंढता हूँ, लेके खड़ा कर देता हूँ घर के बाहर। भाई ये एक बोलान मेरे सामने आई है और ये है शाहिद भाई की, भाई हामिद भाई की, और इतनी खूबसूरत बोलान मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसका बड़ा फ़ैन हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि अंदर और बाहर से इतनी खूबसूरत गाड़ी बनाई हुई है हामिद भाई ने कि मैं क्या बताऊँ। देखें, ये देखें, ये इसकी सीटिंग चेक करें पहले, आगे से देखें कितनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी लगी पड़ी है। ये पाक व्हील्स को चाहिए कि इसका रिव्यू करें आके। ये चेक करें अंदर से कितनी खूबसूरत लगी पड़ी है। ये देखें, कहीं से भी कुछ भी जो है ना आपको ख़राब नज़र नहीं आएगा। ये चेक करें, ये सीटिंग कितनी कंफर्टेबल है इसकी, और ये पीछे, और ये लाइटिंग सारी इन्होंने खुद की हुई है, और ये बाहर से गाड़ी इस तरीके से दिखती है, साफ़ सुथरी। टायर्स तक आप चेक कर सकते हैं, और ये पीछे से देखें आप। भाई मेरा तो इस गाड़ी पे दिल आ गया, लेकिन ये कमाल की चीज़ है, मुझे बड़ी पसंद है। घर पहुंच गया हूँ, ऑफिस से निकला, दोस्तों के पास गया, थोड़ी देर वहाँ गपशप की, उसके बाद सीधा करें। बात यह है कि ब्लॉग थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा दिन ब्लॉग बनाता हूँ, फिर रात को बैठ के एडिट करता हूँ, या फिर दूसरे दिन एडिट कर लेता हूँ, तो इससे थोड़ा डिले आ जाता है। इसलिए इस चीज़ से परेशान नहीं होना, हम ब्लॉग डेली बना रहे हैं और डेली ही ब्लॉग अपलोड होगा, लेकिन थोड़ा लेट थोड़ा सवेर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मसरूफियात होती है इंसान की, ये सारी चीज़ें। और भाई आज मैं पेट्रोल डलवाने गया। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बनाया कि आप लोगों के लिए, स्किप तो नहीं करना। तो इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में कुछ मज़ेदार करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।